जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों से कर्फ्यू हटा लिया गया है। कर्फ्यू हटने के बाद से वहां के हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। अभी तक कोई बड़ी हिंसा की खबरें नहीं आई है। एक तरफ वहां सेना अमन के दुश्मनों के मंसूबों को विफल बनाने के लिए दिन रात मुस्तैद है, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर का सूरत संवारने के लिए मोदी शाह प्लान 5 पर काम कर रहे हैं, जिसमें प्लान 1 के तहत नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 1 सितंबर तक 30 कंपनियां शॉर्टलिस्ट की गई है जिन्होंने निवेश का प्रस्ताव दिया है। अभी तक 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जबकि पूरा अनुमान 1,00,000 करोड़ रुपए का है। इन कंपनियों ने पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी समेत 10 सेक्टर में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। प्लान नंबर 2 के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदेगी। राज्य कैबिनेट ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पहलगाम और लद्दाख में 2 टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाएंगे। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल का जम्मू कश्मीर लद्दाख का 4 दिन का दौरा शुरू हो गया है। पर्यटन मंत्री तीनों इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति बनाएंगे और वहां के लोगों से फीडबैक लेंगे। मोदी शाह का प्लान नंबर 3, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से सेना में भर्ती के लिए कश्मीरी युवाओं में क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। रियासी में सेना के भर्ती कैंप के पहले दिन करीब 29,000 युवाओं ने आवेदन किया। ऐसे में सरकार वहां युवाओं को रोजगार देने के लिहाज से बड़ी संख्या में सेना की भर्ती करेगी। प्लान नंबर 4 के तहत अब जम्मू कश्मीर में पंचों सरपंचों को भी सुरक्षा दी जाएगी, साथ ही 2,00,000 का बीमा भी दिया जाएगा। ये पंच सरपंच वहां केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को अमली जामा पहनाएंगे। और प्लान नंबर 5 के मुताबिक मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम रहेगी। वहीं दिग्भ्रमित और भटके लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाएगी।